जिले की हंडिया तहसील क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को दिनों दिन बढ़ती तादाद को लेकर प्रशासन ने हंडिया क्षेत्र को रेड जोन में रखा हुआ है। इसी तारतम्य में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत हंडिया में 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन रखा गया। इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 45 वर्ष के अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा। इस संबंध में चैनल से चर्चा करते हुए हंडिया ग्राम पंचायत सचिव जगन्नाथ मीणा ने हमारे संवाददाता को बताया है कि हंडिया तहसील क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत भवन में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए हंडिया को रेड जोन घोषित किया गया है, जहां पर शासन द्वारा बार बार लोगों को समझाइश दिए जाने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जगन्नाथ मीणा, सचिव ग्राम पंचायत हंडिया। आज टीकाकरण अभियान आपकी पंचायत में चल रहा है? हाँ, ये COVID-19 के तहत ग्राम पंचायत हंडिया में अभी तक लगभग 50 लोग पॉजिटिव आने के कारण शासन ने आदेश दिए हैं कि यहाँ रेड जोन में इसको घोषित किया गया है, ग्राम हंडिया को। और वैक्सीकरण का कार्यक्रम जो 45 प्लस जो हैं उनका यहीं पे टीकाकरण होगा, तो ग्राम पंचायत हंडिया में। कितने दिन चलेगा ये अभियान? ये अभियान फिलहाल 2 दिन का है, और अगर लंबा रहेगा उसके बाद पब्लिक अगर रह जाएगी तो इसको फिर बढ़ाएंगे। फिलहाल 2 दिन के लिए किया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।